अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। गई वो लगता नहीं है कि यहाँ मंदिर में आई होगी, पर इस इलाके में यहाँ किससे मिलने आई होगी? कौन है उसकी ये मैडम जिससे मिलने के लिए वो फोन पर बात कर रही थी? इनके बेटे युवराज ने मेरी बेटी को मारा है, पूरा परिवार खूनी है जो अपने बेटे को बचाने के लिए ये झूठी मनगढ़ंत कहानी कहकर मेरी बेटी को बदनाम कर रहे हैं। इनकी बेटी के प्रोफेसर के साथ नाजायज ताल्लुकात थे जज साहब, और अब ये उस सच्चाई को छुपाने के लिए हमारे बेटे को अपनी बेटी के आत्महत्या में फंसाना चाह रही हैं। ये अदालत गायत्री देवी को इस शहर से बाहर तड़ी पार करती है, क्योंकि बार बार ये जागीरदार परिवार के ऊपर एलिगेशंस और झगड़े कर उन्हें परेशान कर रही है, और दोबारा अगर उसने इस तरह की कोई भी कंप्लेंट जागीरदार परिवार के खिलाफ की तो वो केस तो उसी समय खारिज हो जाएगा और गायत्री देवी के ऊपर हैरेसमेंट का मुकदमा चलाया जाएगा। ये तो गायत्री देवी है, तो इस शहर में आने की मनाही है, पर ये यहाँ क्या कर रही है? वहीनी साहब, आपको विश्वास नहीं होगा कि मैंने अभी किसे देखा। मैंने यहाँ ग्वालियर में गायत्री देवी को देखा है जी। हेलो, मैं युवराज बोल रहा हूँ। डीके चाचू को वहां से हमेशा के लिए उठा लो। इसका मतलब डीके अभी भी जिंदा है, लेकिन युवराज तो उसे हमेशा के लिए उठाने की बात कर रहा है। हेलो संध्या, मुझे तुरंत मेरे गेस्ट हाउस में आकर मिलो, मुझे इमिजिएटली शहर छोड़कर जाना पड़ रहा है। जाने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस देने हैं। जी गायत्री जी, आपने ठीक कहा था, डीके जिंदा है, लेकिन आज रात को युवराज उनके साथ कुछ करने वाला है। ठीक है, तो मुझे मिलो, फिर बात करते हैं।
थैंक यू डीसीपी साहब, मुझे शक हुआ था इसलिए सोचा कि आपको इन्फॉर्म कर दूं, दैट्स व्हाई आई कॉल्ड यू। हाँ हाँ श्योर, आगे अगर और कुछ भी पता चलेगा मैं आपको जरूर फोन करूंगी। ओके बाय। आपने मुझे बुलाया? सरला, तुम्हें पूरा यकीन है कि वो औरत गायत्री देवी ही थी? क्योंकि पुलिस ने अपनी पूरी तहकीकात कर ली है, यहाँ तक कि उसे घर की तलाशी भी ली है और वहाँ गायत्री देवी के होने का कोई सबूत नहीं मिला है उन्हें। इनफैक्ट पिछले 3 सालों में किसी ने उसे यहाँ देखा तक नहीं। नहीं बहनी साहब, I'm sure कि मैंने गायत्री देवी को देखा है, वो एकदम मेरे करीब थी, बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी और मैं गायत्री देवी को पहचानने में बिल्कुल गलती नहीं कर सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिलीव मी, उस मंदिर में सामने खड़ी औरत गायत्री देवी ही थी। वो तो ठीक है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि तुम उस बस्ती में उस मंदिर में क्या कर रही थी। अरे वो तो मैं वो मैं अब क्या कहीं भी आने जाने के लिए मुझे आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी? मेरी अपनी भी कोई लाइफ है, मेरे अपने भी कोई पर्सनल काम हो सकते हैं। कमाल है, इस घर में हक हमारा एक पैसे का नहीं है, लेकिन जवाब हमें हर बात का देना पड़ेगा। नहीं सरला, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मैं तो बस खैर छोड़ो, तुम नहीं बताना चाहती तो दैट्स फाइन, लेकिन ये मत कहो कि तुम्हारा इस घर पर हक नहीं है। तुम जानती हो कि हम सब एक हैं। हम सब एक हैं। कल तक लगता था कि हम सब एक हैं, लेकिन अब तो ऐसा लगता है जैसे एक से बढ़कर एक है। मेरी भी आपसे एक रिक्वेस्ट है बहन साहब, ये जो आप ये मीठी मीठी बातें करती हैं ना, प्लीज ये मीठी मीठी बातें मेरे साथ मत किया कीजिए। वो क्या है ना, कहीं मुझे शुगर की प्रॉब्लम ना हो जाए। सरला, सरला तुम्हें गलतफहमी हो गई। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।